LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी, बचाइए मात्र 75 रुपये प्रतिदिन और पाइए 11 लाख अपनी बेटी के कन्यादान के लिए। इसके साथ ही पिता के ना रहने पर किश्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को तुरंत 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। पिता की मृत्यु एक्सीडेंटल अगर होती है तो परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी। बिटिया के विवाह के समय 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पिता की मृत्यु पर परिवार के लालन पालन हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष विवाह होने तक दिए जाएंगे। उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को सरकारी संपत्तियों को बेचने संबंधी मामले में नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। मनीष शर्मा प्रांतीय संयोजक नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने सरकार के उस निर्णय को खोलने की कोशिश की है। प्रदेश की आर्थिक स्थितियों में जो बदतर हालत देखने को मिल रहे हैं, तो वही सुधारने की आड़ में 20 शहरों में 32 सरकारी संपत्तियों जिनकी कीमत अरबों खरबों रुपए थी, उन्हें बेचने का निर्णय लिया गया। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश एवं उनकी बेंच ने प्रदेश सरकार से सवाल जवाब किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है और इसकी आड़ में मध्य प्रदेश के शहरों में जो बहुमूल्य सरकारी संपत्तियां हैं उसको बेचने की इन्होंने योजना सितंबर 2020 में लागू कर दी। लगभग 20 शहरों की 32 ऐसी प्रॉपर्टियां जो खरबों रुपए की है उसकी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, उसको बेचने की बात की जा रही है। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में यह आपत्ति उठाई गई कि इन संपत्तियों को बेचने की आवश्यकता क्या है, वैकल्पिक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, इनको लीज पर देकर, इनको किराए पर देकर, इनको PPP मॉडल में बदलकर, और इसके अलावा जो सैकड़ों की तादाद में सरकारी संपत्तियां जो खाली पड़ी हुई हैं, बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, जो सरकारी विभाग किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, क्यों ना इनमें शिफ्ट कर दिए जाएँ। सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और इनके पैसे की बचत होगी। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इसको स्वीकृत किया हमारी याचिका को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए कि आप ऐसा योजना क्यों लागू की है। हमारे संपूर्ण मामले की पैरवी एडवोकेट दिनेश उपाध्याय द्वारा की जा रही है।